is Shehnaz, your EVS teacher. Tomorrow we read about differently able people. कल हमने अपनी क्लास में differently able people के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो blind people होते हैं वो किस तरीके से टेक्स्ट को रीड करते हैं और जो deaf and dumb people होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं. एंड हेलन केलर के बारे में आपने पढ़ा था. आज हमारा टॉपिक होगा हेल्पिंग पीपल ओवरकम चैलेंजेस, यानी लोगों की चुनौतियों को दूर करने में मदद करना. जो डिफरेंटली पीपल के साथ, डिफरेंटली एबल पीपल के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, वो कैसे उनको दूर करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट और बाकी सभी लोग जो उनकी हेल्प करते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो हम आज पढ़ेंगे. सो स्टार्ट द टॉपिक नाउ. To help the differently able people and physically challenged people, the government has provided certain facilities. यानी अलग अलग विकलांगों और शारीरिक रूप से विकलांगों की मदद करने के लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं, यानी कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड स्पेशल कंप्यूटर्स विद स्पीकर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स. देश भर के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर प्रदान करते हैं, यानी वो उन्हें कंप्यूटर्स, स्पेशल कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं. आर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर इज टेलीकास्ट बाय द नेशनल चैनल. जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए समाचार राष्ट्रीय चैनल द्वारा प्रसारित किया जाता है. उसमें क्या होता है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू जो न्यूज़ होती है उसको टेलीकास्ट किया जाता है जिससे कि वो लोग समझ सके. एंड नेक्स्ट इज द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मीन्स DTC हैज़ मैनी लो फ्लोर बसेस फॉर ईजी बोर्डिंग एंड अलाइटिंग. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए कई लो फ्लोर बसें हैं जिसका यूज़ वो ऐसे ही लोगों के लिए करते हैं. नेक्स्ट इज देर आर रैम्प्स एंड रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर पीपल हु यूज़ व्हीलचेयर्स. रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स में व्हीलचेयर यूज़ करने वाले लोगों के आने जाने के लिए, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, रैंप बनी हुई होती है. सो स्टूडेंट्स, आप सबने ये समझ लिया होगा कि गवर्नमेंट या फिर जो अदर पर्संस होते हैं वो डिफरेंटली एबल पीपल के लिए बहुत कोशिश करते हैं या अलग अलग तरीके से वो ट्राई करते हैं कि उनकी हेल्प की जा सके. इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर 2 है वो आज फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय. थैंक यू.